गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यान। तो कैसे आप सब लोग, और आज हम जा रहे हैं कहीं भी थोड़ा सा टूर करने के लिए। टूर नहीं, अपना थोड़ा सा चॉइस है, आप कमेंट में जरूर बताना तो वो चीजें आपको दिखाएंगे। तो चॉइस रहेगी ना तो आपकी चॉइस से खरीद देंगे जो भी चीज है, कमेंट जिसका जितना ज्यादा आएगा। तो हमारे व्लॉग में एंड तक बने रहना, बहुत मजेदार व्लॉग होने वाला अपना। तो अपने भाई के साथ जा रहे हैं, देख रहे हो लोकेशन बता सकते हो भाई, एक नंबर। तो भाई को बता दो तो लोकेशन से पता लगा सकते हो कि कहाँ है। वैसे हम जा रहे हैं, आपको व्लॉग को देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो शायद हमारा लोकेशन जस्ट जहाँ पे जाने था आगे क्या ये तो है पता नहीं, हम देख जानते नहीं। हमारे भाई हैं जो तो यहाँ पे आके रुके हैं, तो शायद इससे पहचान सकते हो आप कहाँ का टूर है। चलो बाहर उतर। तो गाइज हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम में आ चुके हैं और यहाँ ट्राई करते हैं। चलो एक बार बैठ के देख लेता हूँ पहले। और तुम्हारा भाई बैठ गया गाड़ी में, कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है क्या भाई? देखो आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। तो मेरे को ये बताओ गाड़ी कैसी लगी, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए बताओ। देखो यार इसमें गाड़ी में थोड़ा चेंजेस कर दिया गया, पहले वाला मॉडल था मेरे को वो पसंद था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइट चेंज कर दिया गया और सीट का भी थोड़ा इशू है। बाकी लाइट में थोड़ा पहले का बोनट अलग आता था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा ये अजीब लग रहा है। बाकी ये एक अलग अलग कलर है इसमें, तो इसमें थोड़ा ये 2024 का न्यू मॉडल आया है। बाकी और भी कलर देख सकते हो आप। तो ये 350 क्लासिक में बुलेट। तो गाइस पहले इसका रिव्यू देख लो, क्योंकि मेरे को यार एक R15 और इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो बताओ कौन सी गाड़ी देनी है। इसमें LED लाइट आ गई है और इसमें थोड़ा सा ऊपर का जैसे बोनट है चाबी लगाने के बाद, इसमें सब कुछ थोड़ा सा दो चार चीज़ें चेंजेस की हुई है। इसका कलर भी देखो रॉयल इनफील्ड का लग रहा है, जो इसमें सिल्वर कलर में थोड़ा दिखना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो पूरा ब्लैक मॉडिफाई कराई हुई लग रही है मेरे को। लेकिन ये ऑलरेडी पहले इसका आ रहा है और अलॉय व्हील में सब कुछ आ रहा है, ट्यूबलेस टायर है। और आप देख सकते हो तो इसमें जैसे चाबी ऑन करने के बाद पहले सुई वगैरह का और इसमें गियर वगैरह शो करती है, और अगर आप लेफ्ट राइट जो भी आप डायरेक्शन में करोगे तो उस हिसाब से दिखाएगी कि आपको किधर जाना। तो पहले वाला ये चीज़ें नहीं थी, अब इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है, तो नई नई चीज़ें ये आई है। यार जो पहले वाला 2022 मॉडल था वो मेरे को पसंद था, लेकिन वो बंद हो गया है। और गाइज आप देख सकते हो बुलेट में एक ये हंटर कलर है, हंटर मतलब गाड़ी है इसका नाम, रॉयल इनफील्ड में है। तो ये कलर कैसा है, इसमें दो तीन कलर और है। एक तो सामने वाला जो खड़ा है वो, और जिससे बैठा हूँ साइज़ थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें प्राइस में 50-60 हज़ार का फ़र्क है, जो क्लासिक 350 आती है उसमें और इसमें फ़र्क है प्राइस का भी। तो ये गाड़ी भी आप देख सकते हो ये कैसी लगी, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, क्योंकि माइंड मेरे की साइकोलॉजी है तो R15 या फिर बुलेट 350 क्लासिक वाली ही चाहिए। तो सोच रहा हूँ, फिर भी मेरे को खास मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया, लेकिन देखो हम अभी घर पे आ चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ यार एक तो R15 जो वर्जन 4 है उसकी प्राइस में ज़्यादा तो डिफरेंस तो नहीं है, और जो बुलेट 350 है उसमें नया लुक चेंज कर दिया है। तो यार मैं देख के आया था, तो मतलब फिर भी मेरा माइंड है, जो मेरा दिल है कहीं ना कहीं पहले वाला मॉडल था जो उसमें अटका हुआ है, जो सिल्वर कलर था प्रॉपर वो पसंद था, लेकिन वो सिल्वर कलर जो आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा अब, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्लैक भी कर दिया, ब्लैक ग्रे में कर दिया, तो मेरे को अच्छा इतना लगा नहीं। बाकी आप कमेंट में करके बताओ मेरे R15 वर्जन 4 जो कि वाला कलर है और जो ये बुलेट है, इसमें मेरे को कौन सी लेनी चाहिए। जिसका ज़्यादा जितना कमेंट रहेगा तो आप सजेस्ट करो, तो मैं उसी के आप के कमेंट के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी वाली बाइक लेनी चाहिए। तो आपका रिव्यू का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। तो बाइक ले रहे हैं तो उसी हिसाब से लेंगे कि कौन सी बाइक की आपको जो लगती है कि ये आपके साथ आपके ऊपर बढ़िया लगेगी, तो उसका जरूर रिव्यू करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट में जो नीचे है उसमें ज़रूर पिन करिए, जो जितने भी ओपिनियन अपना अपना दीजिए, फिर उसके बाद बाकी देखते हैं। मेरे को तो इन दोनों में से पसंद आ रही है अभी, तो फिर उसके बाद चॉइस देखते हैं, अगर कोई बदलता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे बाकी के लिए। लेकिन जल्दी बताना कमेंट जो भी है, जितने कमेंट है कर सको वो जो राइड किया हुआ है, तो उस हिसाब से अपना अपना ओपिनियन देना भाई, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाइक के साथ, ठीक है? बाय बाय।